मुजफ्फरपुर में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव से लोगों में कई तरह के संक्रमित बीमारी हो रहे हैं। ठंड की धमक के साथ और मौसम की प्रतिकूलता के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चे तथा बुजुर्गों पर पड़ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में खांसी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया सहित कई तरह के मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। बच्चे और बुजुर्गों में इम्यूनिटी कमजोर रहने के कारण ठंड से अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाजारों चीजों को खाने से बचना चाहिए। पत्तीदार सब्जी तथा हरा सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। भोजन गर्म करना चाहिए तथा खाने पीने की वस्तु को ढक कर रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने से रोगों से बचा जा सकता है। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. अपनी बीमारी में इजाफा है हुआ है, ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ मौसम में है कि सभी बच्चे और सीनियर सिटीजन को हम लोग कह रहे हैं कि बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, खासकर उन्हें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मौसमी का असर जो है, मौसम का असर इन लोग पर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। तो बच्चे को सुबह धूप निकलने के बाद ही बच्चे को निकालें और गर्म कपड़े पहना कर ही रखें। सुबह शाम विशेष सावधानी बरतें और कुछ भी अगर परेशानी हो रही है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उपचार कराएं। किस तरह का जो चिकित्सक हैं और पैरा स्टाफ का डेपुटेशन है, क्योंकि आर्थराइटिस और दूसरी जो बीमारियां हैं वो इसमें बढ़ जाती है। हाँ, सारे जितने भी हमारे पास जो है मैन पावर अवेलेबल है, सभी लोग जो इलाज कर रहे हैं, सभी चिकित्सक हैं, शिक्षित हैं और प्रशिक्षित भी हैं, सभी लोग इलाज कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर किस तरह की ग्रामीण स्तर पर भी सारी व्यवस्था है, सारी जांच की भी सुविधा है, पैथोलॉजिकल जांच भी हो रही है और चिकित्सक भी उपलब्ध हैं, सभी जगह सुविधा उपलब्ध है।